नानी जी के किचन में। तो आज नानी जी बनाने वाली है, तो बनाने जा रही है नानी आज पालक का, जो जैसा पल्स होता है ना दाल, वैसे आज पालक का दाल ही बनाने जा रही है। आप बोले उसे झोड़, झोड़ भी बोल सकते हैं। पालक का आज नानी झोड़ बनाने जा रही है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप सब देख सकते हो पालक नानी लिए है। आपने कितने पालक लिए है? चार मुट्ठा नानी पालक ली है। एंड इसमें आपको कितना पानी आधा कटोरा पानी मिलाना है। एंड इसे आपको अच्छी तरीके से उबाल लेना है। तो आप देख सकते हो ये उबल गया है, ये आप देख सकते हो। यहाँ पर झाँक कर आपको उबाल लेना है। कढ़ाई देख सकते हैं, यहाँ पर उबलने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है। इसको मिक्सर में पीस देना है अच्छे तरीके से आपको। तो दोस्तों पालक को पीस के रखने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो पालक को ये पिसा चुका है। एंड और चलते इसमें क्या क्या डलाएगा, कौन कौन से चीज मसाले। सो इसमें पहले तो मैं बता दूँ, पालक को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पीस लेना है, बिकॉज ये पालक अच्छी तरीके से पिसा जाएंगे तो टेस्ट भी अच्छा आएगा एंड खाने में भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर नानी जी अभी टमाटर काट लिए हैं। तो नानी जी आपने इसमें कितने टमाटर लिए हैं? चार पीस यहाँ पर नानी जी टमाटर ले लिए हैं एंड इसे पतले पतले आकार में काट लिया है। एंड गाइस यहाँ पर आप तो देख सकते हो प्याज, यहाँ पिछली बार की तरह इस बार भी नानी जी मुझे रोला भी प्याज काट कर, आंसू आ गया आंखों में। यहाँ पर नानी जी आपने कितने प्याज लिए? चार पीस। तो चार पीस टमाटर, चार पीस प्याज और यहाँ पर पाँच मिर्च। मुझे लगा चार, यानी कि सब कुछ चार ही हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हो चार पीस प्याज है और मिर्च है। यहाँ पर कढ़ाई आपको गर्म कर लेनी है तेल डाल कर। तो यहाँ पर गाइस मीडियम फ्लेम में कढ़ाई को आपको गर्म कर लेनी है। तो जैसा कि आप सब देख सकते हो कढ़ाई गर्म हो रही है, इसमें नानी जी अभी और तेल डालेंगे। पर जीरा आप सब देख सकते हो नानी जी ने कुल इतना जीरा लिया है, मतलब ज्यादा नहीं, चुटकी भर। तो अब नानी जी से मिर्च डालेंगे, मिर्च पर दूरी बनाए रखना है। तो गाइस जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि होली आने वाली है और होली की बहुत सारी रेसिपी आपके पास पहुंच जाएगी। सब्सक्राइब करने के लिए और बेल वाला आइकन दबा दीजिए वीडियो के लेटेस्ट अपडेट के लिए। एंड कल अब होली है, तो कल नानी जी, मतलब कल होली नहीं है, कल नानी जी होली का वीडियो लेकर आएंगे। काली मिर्च डाला गया है इसमें, हल्दी और कुछ नहीं, जीरा डला है, जीरा पाउडर। आपको गाइस इसमें जीरा पाउडर डालना है। यहाँ पर दोस्तों मिर्च लाल हो गई है, अब इसमें आपको प्याज डाल देना है। अच्छी तरीके से गाइस आपको चला देना है प्याज को। एंड जो पालक का मिश्रण है वो आप देख सकते हो यहाँ पर पीस कर पालक रख ली गई है। दोस्तों प्याज को लाल होने तक भूनते हैं, जब लाल हो जाए तो इसमें लाल लाल टमाटर डाल दीजिए। जब प्याज लाल होगा तो ये ना लाल टमाटर हो जाएगा। ये है लाल टमाटर और ये जाए लाल प्याज। तो अब इसमें चला गया पीला पीला मसाले, अगर लाल हो जाए तो इसमें लाल लाल टमाटर डाल देंगे, बहुत ज्यादा लाल लाल होगा ना, इसलिए की शुरुआत हो गई। प्याज लाल होने के बाद इसमें मसाला डालें, मसाला डालने के बाद जब मसाला लाल हो जाएगा तो लाल टमाटर डालेंगे। मेरे वीडियो को देखिएगा, जरूर लाइक कीजिएगा।
राइस लाइक जरूर कीजिएगा, जरूर लाइक कीजिए, जरूर मुझे वीडियो से स्वाद भी अच्छा होगा और खाने भी टेस्टी मिलेगा। नानी जी का खास का तो बहुत टेस्टी लगता है, मतलब इसलिए मैं बता रहा हूँ, ऐसे मैंने वीडियो बनाने के लिए बोला है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है नानी जी के टमाटर का खाने। तो अब टमाटर यहाँ पर लाल लाल चाहिए, लाल टमाटर टमाटर के साथ में नमक डालूंगी। कितना नमक डाले आप स्वाद अनुसार? ओके टू टेस्ट टमाटर को कल जाने दीजिए, तब तक टमाटर लाल लाल प्याज के साथ लाल लाल टमाटर गलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर टमाटर अच्छी तरीके से गल चुका है, आप लोग देख ही सकते हो, और ये बिल्कुल नरम हो गया है। तो अब हम लोग इसमें डालेंगे जो कि हम लोगों ने पालक का मिश्रण तैयार किया था, उसे डालेंगे। तो अब नानी जी इसमें पालक का मिश्रण डाल रही है, जो पालक उबाल है ना उसी पानी हम इसमें डालेंगे, पालक वाला पानी, पानी बर्बाद नहीं करनी है, वही पानी को इसमें डालना है। आप पानी डाल सकते हैं ज्यादा, मैंने जैसा रखे कि पतला ज्यादा जो सेव वाटर सेव एंड ऑल्सो सेव अर्थ कुछ के भी साथ आप खा सकते हैं, दाल के मतलब आपने दाल नहीं बनाया, चावल के साथ दाल नहीं बनाया तो उसे के साथ आप खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती है। तो दोस्तों यहाँ पर अच्छी तरीके से मिलाने के बाद अब नानी जी इसमें जिसे नानी जी उबाली थी पालक उसी पानी से अब नानी जी अपने जो कि तैयार हुआ मिश्रण है इसमें डालते हैं, यही पानी हम पालक वाला इसमें डाल, पानी नहीं बर्बाद कीजिएगा। जैसे पालक वाला थोड़ा कम पानी है तो फिर तो से पानी भी इसमें डलाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप सब देख सकते हो ये बन गया हमारा पालक का झोर। तो ये कैसा लगा गाइस और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों यहाँ पर बन के रेडी हो चुका है पालक का झोर और अब हम लोग इसे खाएंगे, यानी कि मैं और नानी जी इसे खाने का बना लेंगे। तो दोस्तों ये दिखने में तो वैसे बहुत अच्छा लग रहा है, लिटरली खाने में अगर आप इसे बना के तो देखो इतना टेस्टी लग रहा है, मतलब ये ऐसा झोर मैंने कभी आज तक नहीं खाया गाइस, आज तक मैंने ऐसा झोर नहीं खाया। जल्दी से जाओ बनाओ, और होली इवेंट आ रही है तो जल्दी से त्यौहार की रेसिपी वगैरह आपके लिए जल्दी आ जाएगी चैनल पर, तो सब्सक्राइब कर दो एंड बेल वाला आइकन दबा दो वीडियो के लेटेस्ट अपडेट के लिए।